हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी नेहा एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू हेल्प ऑल दो CMA स्टूडेंट्स जिनको हमेशा सारा रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब भी मैं यूट्यूब में कुछ भी सर्च करती थी CMA का कोई भी टॉपिक, तो पता है मेरे को हार्डली कोई रिजल्ट मिलता था. ज़्यादातर तो मेरे को CA वाले ही वीडियोज़ मिलते थे. तो मैंने सोचा कि कुछ CMA के लिए भी कुछ हेल्पिंग वीडियोज़ बना लूँ. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. वी ऑल नो दैट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड और विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो फाउंडेशन के हो, चाहे इंटर के हो या फाइनल के हो. तो यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दूँ व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, मतलब हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है. और हम लोग के पास यहाँ पे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. और हम लोग उसके बारे में आज पूरा इन्हेंसली स्टडी तो नहीं करने वाले, बट थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दूंगी एंड आगे के वीडियोज में आप लोगों को पता चलेगा एक एक टॉपिक, मतलब एक एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेके उसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे हम लोग. तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए. जब जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी उसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया है. एंड इट्स जस्ट अ प्रिंसिपल. जो भी हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट, जो कॉस्ट शीट होता है एक्चुअली, उसमें जो भी आइटम्स हम लोग के रहते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए एक प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब किया गया है. दैट इज़ ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ये कोई बहुत बड़ा सा चीज़ नहीं है. तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको सारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नंबर लर्न करना पड़ेगा. दिस इज़ थोड़ा क्रिटिकल थिंग, उसके अलावा कुछ नहीं है. तो जैसे जैसे हम लोग पूरा इन्हांस स्टडी करेंगे एक एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की कुछ नहीं है बात. तो पहले हम देख लेते हैं कि इट्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, दैट इज CAS 1, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज वॉट, कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है तो उसके अंदर क्या है वो हम लोग को जानना ज़रूरी है. तो दैट इज़ कौन कौन सा कॉस्ट आता है तो वो बताएंगे. और ये इसमें आप जो भी कॉस्ट पढ़ेंगे ना, वो वेल नोन और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल कॉस्ट होंगे. एंड दैट इज़ CAS 1 इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. एंड सेकेंड इज़ क्लासिफिकेशन के बाद आता है आपका कैपेसिटी डिटर्मिनेशन. कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, जैसे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उसमें कुछ कैपेसिटीज़ होती है, जैसे कि इंस्टॉल कैपेसिटी होगी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, एवरेज कैपेसिटी. तो इन सब कैपेसिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, ठीक है. एंड चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. यहाँ पे है इट्स प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड. मतलब सिंपल लैंग्वेज में यू कैन कॉल इट ओवरहेड. जो हम लोग ओवरहेड्स पढ़ते हैं ना फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में, वही है यहाँ पे और कुछ नहीं है. एंड इट्स मतलब मैं इसको जब लर्न की थी तो मैंने ऐसे लर्न किया था, इट्स ओवर द हेड. ओवर द हेड मीन्स यहाँ पे 3 वर्ड जा रहे हैं, ओवर द हेड, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लर्न किया था, ओवर द हेड. एंड नेक्स्ट इज 4, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. 4 इज वॉट, इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन. कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है ना, सेल्फ कंजम्पशन. जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनाना है और उसमें कोई और प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ फिनिश प्रोडक्ट. तो दैट इज़ कैप्टिव कंजम्पशन और कुछ नहीं है. तो एक बार पहले का देख लेते हैं. CAS 1 इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, CAS 2 इज़ कैपेसिटी डिटर्मिनेशन एंड CAS 3 इज़ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवर हेड. जैसे मैंने बोला ओवर द हेड आप बोल सकते हो उसको. एंड 4 इज दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. 5 आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है ना मटेरियल्स को लाने में, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है उसका यहाँ पे वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं CAS 5 में. एंड 6 के ऊपर चलते हैं, ये मटेरियल कॉस्ट. हम लोग को पता ही है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट. तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, रिमेंबर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मटेरियल कॉस्ट, ठीक है.
चलिए तो सेवन के ऊपर चलते हैं. तो सेवन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन इज इम्प्लॉय कॉस्ट. इम्प्लॉय कॉस्ट ऑफकोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैन पावर इज डेल्ट हियर ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू द मैन पावर, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट ओनली. इनडायरेक्ट कॉस्ट आगे हम लोग देखेंगे. ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना इम्प्लॉय का, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन से डील होता है. एट में चलते हैं. एट इज कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज. यूटिलिटीज क्या है, जैसे कि हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उसमें मटेरियल, एम्प्लॉय, एक्सपेंसेस के अलावा भी कुछ लगता है, दैट इज यूटिलिटी. जैसे आपका पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर कंजम्पशन हो गया. से एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ. एग्जाम्पल में आपका हो गया वाटर, हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, हो गया पावर, हो गया, ये सब आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज में. एंड तो ये कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, इट वाज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट. रिमेंबर एट. तो हम लोग आठ पढ़ लिए, अब नाइन्थ के ऊपर चलते हैं. नाइन्थ इज पैकिंग मटेरियल कॉस्ट. पैकिंग मटेरियल, तो एक चीज देख सकते हैं हम लोग कि मटेरियल को लाने के लिए उसको प्रॉपरली, उसको हैंडलिंग के लिए उसका पैकिंग इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो बिखर जाएंगे या फिर कुछ वेस्टेज, कुछ स्पॉयलेज हो जाएगा. तो एक पैकिंग मटेरियल तो इंपॉर्टेंट है उसके लिए. तो इसीलिए वो कॉस्ट जो होता है वो यहाँ पे डील होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन में, यहाँ पे डील होता है, आप देख सकते हो. एंड टेन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मटेरियल और एम्प्लॉय के अलावा जो भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, मतलब जब आपके पास प्रोडक्ट आता है, फाइनल प्रोडक्ट, जो जो कॉस्ट आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर दिख रहा है, जो आप देख सकते हो, बता सकते हो कि हाँ ये कॉस्ट पक्का ही लगा होगा इस प्रोडक्ट को बनाने में, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट एक्सेप्ट मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक कुछ बनाया है, दैट इज अ कॉस्ट शीट. छोटा सा एक फॉर्मेट है. यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिला के आपका प्राइम कॉस्ट बनता है. तो ये प्राइम कॉस्ट जब हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा व्हाट इज कॉस्ट शीट, नहीं तो सम ऑफ द पीपल नो व्हाट इज कॉस्ट शीट. एंड उसके बाद ओवरहेड ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग का आ जाता है वर्क्स कॉस्ट. ठीक है, हम लोग का बन जाता है वर्क्स कॉस्ट. तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चले जाते हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11. तो 10 हम लोग क्या देखे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. 11 में चलते हैं. व्हाट इज 11? 11 इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. ये भी कॉस्ट शीट का ही एक पार्ट है. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. एंड 13 इज कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर. तो एक बार पहले से एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े. CAS 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, CAS 2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, CAS 3 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, CAS 4 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन, 5 इज डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 6 इज मटीरियल कॉस्ट, 7 is employee cost, 8 is cost of utilities, and cost accounting standard 9 is packing material cost, 10 is direct expenses, 11 is administrative overhead, and 12 is repairs and maintenance cost, 13 आपका हो जाता है cost of service cost center, and 14 is repairs and maintenance. And cost accounting standard 13 deals with the cost of service cost center, जो मैंने बता दिया. And cost accounting 14, cost accounting standard 14 deals with the pollution control cost. जैसे जो भी production या manufacture करने में pollution होता है, उसको भी तो pollution control भी तो हम लोग की responsibility है. Means all the companies have some responsibility towards the environment. तो उसको pollution control cost से deal कर रहे हैं हम लोग. And that is in cost accounting standard 14. एंड 15 इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं. एंड इन द नेक्स्ट क्लास में देर आर रिमेनिंग लाइक 24 वी आर हैविंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो कुछ रह जाएंगे 16 to 24, तो वो हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड गिव्स अ थम्स अप टू इट. थैंक यू.